इसलिए मैंने सबसे पहले इसको कर दिया है। नेक्स्ट हम फिर चलेंगे वनस्पति के अनुसार कि कौन सी वनस्पति कितने राज्यों में या किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो सबसे पहले भारत में लगभग 6 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और कुल मिलाकर इसको बिल्कुल काउंटिंग करते हैं तो लगभग 13 बैठेंगे। तो अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन, अधो अल्पाइन, मरुस्थली, ये क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो हमारे इंडिया का उत्तर और जो पूर्वी क्षेत्र है वहां अल्पाइन, अधो अल्पाइन, मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। साथ ही शुष्क हिमालय, आद्र हिमालय, अधो उष्ण कटिबंधीय, ये वनस्पतियां अकेले जम्मू कश्मीर के स्टेट में पाई जाती हैं, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, यानी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कौन कौन सी है, शुष्क हिमालय, आद्र हिमालय और अधो उष्ण कटिबंधीय, ये तीन जो वनस्पतियां हैं ये हिमाचल और उत्तराखंड दोनों स्टेट में पाई जाती हैं। सिक्किम, सिक्किम में अल्पाइन और अधो अल्पाइन ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं पर्णपाती, इन्हीं सबसे पहले जो है पर्णपाती, पर्णपाती वनस्पतियां हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं, ये जो है आपका पर्णपाती आद्र वन, पर्णपाती आद्र वन है ये, तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मतलब पर्णपाती वन जो है इन स्टेटों में पाए जाते हैं, ये पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं। बात करते हैं शुष्क पर्णपाती, एक पर्णपाती ये होता है, एक होता है अशुष्क पर्णपाती। तो शुष्क पर्णपाती क्या है, इसका जो क्षेत्र है पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है उष्ण कटिबंधीय या कटीले वन। तो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन एक ही बात होती है, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे राजस्थान है सबसे ज्यादा इसका क्षेत्र है, कटिबंधीय राजस्थान में सबसे ज्यादा है, यानी कि मरुस्थलीय जो वनस्पतियां हैं राजस्थान, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु और केरला के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पे एक विदर्भ क्षेत्र पाया जाता है, तो वहां वही क्षेत्र की बात यहाँ पर है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, तो वहां पर विदर्भ क्षेत्र पाया जाता है, तो वहां पर भी कटीले वनस्पतियां और वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सदाबहार उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब कि उष्ण कटिबंधीय वो होते हैं या सदाबहार वन वो होते हैं जिनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं, मतलब वो हमेशा पत्तियों से भरे रहते हैं, यानी पत्तियां सूखती रहती है, गिरती रहती हैं, तो उसमें एक साथ सारी पत्तियां नहीं गिरती हैं, तो ये सदाबहार वन कहलाता है। तो सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक आसाम समेत पूर्वी राज्यों में, क्योंकि सदाबहार वन जो है हमारे भारत के पूर्वी राज्यों में, आसाम समेत वहां पर जितने भी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में सदाबहार वन पाया जाता है। पूर्वी राज्य सब घेरू, यानी आसाम समेत पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल आपका हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, केरला हो गया, सॉरी आंध्रा हो गया, वहां पर तमिलनाडु हो गया, तो ये पूर्वी राज्य जितने हैं वहां पर क्या सदाबहार वन पाए जाते हैं राज्यों से। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो पश्चिमी घाट पे कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, महाराष्ट्र, इनकी अब बात करते हैं हम, ये तो हमारी वनस्पतियां हो गई,
अब घाट की बात करते हैं, ये भारत का पूर्वी घाट, भारत का पश्चिमी घाट, इन्हीं पूर्वी घाट में कितने राज्यों में पाया जाता है वन, और पश्चिमी घाट के किन राज्यों में वन पाए जाते हैं या वनस्पति पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट जो है उसमें क्या आते हैं, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका, गोवा, केरल, ये राज्य जो है पश्चिमी घाट में आते हैं। क्रमवाइज है उत्तर से दक्षिण, उत्तर सबसे उत्तर क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो गोवा, उसके बाद केरल आता है। ऐसी बात करते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है वो मैंग्रोवा, मैंग्रोवा नाम की एक वनस्पति होती है, मैंग्रोवा नाम का एक मतलब वृक्ष पाया जाता है सर्वाधिक। तो इसी वजह से इस जगह स्थान पर पाए जाने वाले वनों की अधिकता के कारण इसके लिए हम मैंग्रोवा वनस्पति या मैंग्रोवा वन कहते हैं। और मैंग्रोवा वन कहाँ मिलेंगे आपको, तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि मैंग्रोवा जो वन है, यानी मैंग्रोवा जो वनस्पति है वो आपकी खारे यानी क्षारीय पानी में, जल में उस गति करती है, यानी वहां वो जीवित रहती है, मतलब उसे नमकीन पानी चाहिए, नारियल की तरह, जिस तरीके से नारियल जो है समुद्री एरिया किनारे पाए जाते हैं उसके वृक्ष, तो ऐसे ही जो मैंग्रोवा वनस्पति है, मैंग्रोव वन है, वो गुजरात और हमारे सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये नमकीन खारे पानी वहां पर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मैंग्रोव पूर्वी घाट में पाया जाता है, किस साइड में, पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट में आपका क्या आता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तट और आंध्र प्रदेश, केरला। तो आंध्र प्रदेश ये हमारे क्या है, ये मैंग्रोव वन पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट में क्या, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तट और आंध्र प्रदेश, इन तीन राज्यों में जो है पाया जाता है। इसके बाद पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में कौन कौन सा पाया जाता है, पश्चिमी घाट में आपका गुजरात, गुजरात हो गया और केरल, यानी पश्चिमी घाट में बात करते हैं तो गुजरात और केरल में क्या में आ जाते हैं, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन पश्चिमी घाट के दो राज्यों में, गुजरात और केरल। अब बात करते हैं पर्वतीय शीतोष्ण आर्द्र वन। तो पर्वतीय शीतोष्ण आर्द्र वन, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात हुई थी, मतलब आसाम समेत सभी पूर्वी राज्यों में। अभी फिर ये हमने बात की है पश्चिमी घाट और आपकी पूर्वी घाट की। अब बात करें पर्वतीय शीतोष्ण आर्द्र वन, ऐसे वन जो पर्वतीय शीतोष्ण आर्द्र वन है जहां बर्फबारी होती है, तो वहां कहाँ कहाँ, किन किन राज्यों में, ये विस्तार इनका सिक्किम, अरुणाचल, तमिल, केरल की सीमा, यानी सिक्किम और अरुणाचल इनमें पर्वतीय आर्द्र वन, पर्वतीय शीतोष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। सिक्किम आपका, अरुणाचल हो गया, साथ तमिल और केरल की बॉर्डर सीमा, तमिल और केरल की बाउंड्री पर, वहां पर भी जो है पर्वतीय शीतोष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं वनों का विस्तार, यानी हमारे भारत में वनों का विस्तार किस रूप में पाया जाता है, यानी कितने क्षेत्रफल में वनों का विस्तार है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, हमारे देश का कितना है, भारत का 32,87,863, 32,87,863 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कुल वनस्पति क्षेत्रफल कितना, ये हमारा देश का हो गया। अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल वनस्पति, यानी कुल कितना क्षेत्रफल है जिसमें वनस्पति वनस्पति या वन विस्तृत है, तो 6,90,899 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा, यानी अभी तो ये क्षेत्रफल चल रही थी, अब बात करना है कि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों पर, यानी कि वनों से घिरा हुआ है इंडिया का, या फिर भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों पर घिरा हुआ है, या वन वहां पर वन पाए जाते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है 21.02%, यानी हमारे इंडिया का जो क्षेत्रफल है अगर उसका हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 में से कितना, 21.02 वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रतिशत
कितने प्रतिशत पर हमारे इंडिया के टोटल जो है क्या पाया जाता है, बन पाए जाते हैं। अब बनों का विस्तार, बनों का विस्तार किधर से किधर, इसमें बात कर लेते हैं। उत्तर से पूरब, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर से पूरब। इंडिया का मैप इस तरीके से आता है, ये उत्तराखंड, फिर इधर नेपाल, सिक्किम में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जगह का मैं नहीं, तो मैं आपको मैप बना के बताया था। तो उत्तर से पूर्व क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। मतलब ये उत्तर पूर्व, तो ये नॉर्थ ईस्ट जो हम जाते हैं इस तरीके से उतरते हुए नेपाल के लिए, तो नेपाल से सटती हुई जो सीमा है वहां पर ये राज्य आते हैं। और ये इन राज्यों में क्या है, वनों का विस्तार सर्वाधिक है। ये सर्वाधिक विस्तार वनों का जो है वो उत्तर पूर्व में सर्वाधिक है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में किन किन राज्यों में विस्तार पाया जाता है, तो पूर्वी घाटों में तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये क्या, ये हमारे पूर्वी घाट के राज्य हैं, यानी पूर्वी तटीय सीमा पर जो समुद्री सीमा पर राज्य बनाते, सीमा बनाते हैं वो राज्य। ये तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो फिर सेंटर में जाता है, पश्चिम साइड में जाता है, पश्चिमी घाट में, लेकिन मध्य प्रदेश सटता है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और झारखंड। तो ये हमारे जो है पूर्वी घाट के स्टेट। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में केरल, नीचे से ऊपर यानी साउथ से नॉर्थ साइड में, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, और दक्षिणी भाग गुजरात, यानी गुजरात का जो दक्षिणी भाग है उस पर ही बन पाए जाते हैं। राजस्थान से सीमा लगने के कारण राजस्थान, गुजरात का भी उत्तरी भाग जो है वो मरुस्थलीय पाया जाता है, क्योंकि गुजरात को जाने वाली लूनी नदी जो है सामर झील तक पहुंचते पहुंचते वो विलुप्त हो जाती है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाती है। यही कारण है कि गुजरात का जो उत्तरी एरिया है वो मरुस्थलीय पाया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा अधो उष्ण कटिबंधीय वन, ये छूट गया था। तो अधो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या वन कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, यूके, सिक्किम और अरुणाचल। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में ये कवर किया कि किस तरीके से हमारे देश में क्षेत्रफल क्या है, वनों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, उसके कितने क्षेत्रफल पर हमारा वनों का विस्तार पाया जाता है, फिर उस कुल कितने प्रतिशत पर वनों का विस्तार है। तो यहाँ पर हमने प्रतिशत निकाल दिया, अगर प्रतिशत ये माइनस करोगे 21.02, तो जो शेष बचेगा उस पर हम लोग अपनी बसियत, खाना, कृषि कार्य सब करते हैं, वो भाग रह गया। फिर ये जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये बृहस्पति रिलेटेड थे, ये कवर हो गए, और इनके लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और नए देख रहे हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी करवाएं।